जालौन में हैरत कर देने वाला मामला सामने आया। जालौन के कोच तहसील क्षेत्र के ग्राम पनियाला में आज गांव के तालाब में एक साथ दर्जनों शर्प आ गए, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सॉफ्टवेयर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गांव में तालाब में मछलियों के साथ सैकड़ों सर्प आ गए। कभी आम रास्ते पर तो कभी पेड़ों के झुंड पर विषैले सर्प देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पकड़वाने की गुहार लगाई है, क्योंकि गांव के तालाब में ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है और तालाब का पानी भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए सभी ग्रामीण प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे पकड़वाया जाए। आपका पुष्पा किस गांव की निवासी? पनियारा के। क्या परेशानी है आप लोगों को यहाँ? सांप है ना, बहुत हैंगे, इकट्ठे हो जाते थे, भैंसिया भी बनती, बच्चा भी खेलते हैं, ना फिरते हैं, डर लगता है किसी को सता दें तो फिर क्या हुआ। ये तो तालाब तो बहुत पुराना है, तो पुराना है कम से कम 5-6 साल से उसका पानी नहीं खाली हो रहा, समर चला थे भरते रहते मछली पालन है जैसे। तो पहले मछली पालन नहीं था? पहले नहीं था, सूख जाते तो गर्मी में था। कम से कम 50 सांप है, ये कादो तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े अंदर चले जाते मकान के अंदर। ये आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है। क्या कहना चाहते हैं आप, ये क्या दिक्कत है? अब ये कहना चाहते हैं कि ये तालाब पुराना है, इसी किनारे हमारा मकान भी है, और यहाँ पहले गर्मियों में ये तालाब सूख जाते, तब ये सर्प यहाँ पैदा नहीं होते थे। अब ये 3-4 साल से बराबर पानी ऐसे समर्थ से द्वारा तालाब भरा जाता है, तो जो है खाली नहीं हो रहा है तालाब, इससे जो सर्प पैदा हो गए, अब ये हमारे मकानों के अंदर जाते बाहर जाते, विषैले सर्प है, और बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये भय रहता है कि बच्चे इन बच्चों को या किसी पशु को सता देंगे तो अपने ये परेशानी होगी, तो ये सोचते हैं कि ये किसी के द्वारा इन्हें पकड़ाया जाए, ताकि हम लोगों को डर आदि। कितने सांप हैं लगभग? सांपों की संख्या पर कछुआ है कि सैकड़ों की तादाद में सांप हैं।